जिला शिक्षा पदाधिकारी के ने 3 हाई स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। गुणात्मक कार्य से दिखे असंतुष्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलेन टोपो बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड के 3 उच्च विद्यालय प्लस 2 उच्च विद्यालय बेंगाबाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय छोटकी खगड़िया और उत्क्रमित उच्च प्लस 2 प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय नवाहार का औचक निरीक्षण किया। वहीं संबंधित प्रधानाध्यापक को कड़ी फटकार भी लगाई। हालांकि औचक निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में पठन पाठन से संबंधित रूटीन चार्ट साफ सफाई के अलावे कई तरह के गुणात्मक कार्य से काफी असंतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही या अनदेखी के कारण विद्यालय में सुचारू रूप से पठन पाठन नहीं हो पा रही है और ना ही विद्यालय को साफ सफाई रखा जा रहा है। यहां तक कि विद्यालय के शिक्षकों को विभाग की ओर से जो भी टास्क दिए गए हैं उस टास्क में असक्षम दिख रहे हैं। संबंधित विद्यालय में जो भी शिक्षक पदस्थापित हैं अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, साथ ही विद्यालय में पठन पाठन के साथ शिक्षा को बढ़ावा दें। कहा कि छोटकी खगड़िया उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 4 दीवारी को लेकर उपायुक्त को आवेदन दी गई है, जिसके आलोक में विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। स्थानीय मुखिया व जनप्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप की गई। कहा कि इस विद्यालय के परिसर में हॉट और मंदिर भी स्थापित है। यहां 4 दीवारी निर्माण करने से पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा निर्णय लेने पर ही विकास कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीणों ने भी आग्रह किया कि हॉट और मंदिर को घेराबंदी कर दिए जाने से ग्रामीणों को काफी फजीहत होगी। वहीं इस मौके पर बीपीओ कृष्णदेव सिंह के अलावे मुख्य प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद वर्मा, जैनवल अंसारी सहित विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद थे। अभी हम लोगों ने विद्यालय का निरीक्षण किया, उसमें मुख्यतः हम लोगों ने गुणात्मक विकास के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं विद्यालयों में उसका यूज हो रहा है कि नहीं विद्यालयों में, ये मुख्यतः हम लोगों ने देखा। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालयों में ICT की सुविधा है, स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है, कुछ विद्यालयों में स्टेम लैब भी बने हुए हैं, लेकिन उनको क्लास के रूटीन में नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उस सुविधा से बच्चे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा। और एक हम लोगों ने बेंगाबाद में हाई स्कूल देखा, जो उसमें सुविधाएं तो दी गई हैं, लेकिन चूंकि वहाँ उस तरह के मैनेजमेंट नहीं है, टीचर्स को हरेक क्लासरूम में एंगेज करने के लिए उनका प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, क्लास रूटीन सही तरीके से नहीं बना है, और क्लासेस को उपविंग होता है या जो क्लास को सेक्शंस में बांटते हैं उस तरह की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण एक तरह से जो स्कूल में हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हर एक टीचर हर एक बच्चा से इंटरेक्ट करे और एक तरह से एकदम फेमिलियर वे में जो पढ़ाई हो, वैसा नहीं हो पा रहा था। टीचर्स को ये भी निर्देश है कि पाठ टीका आपको लिखना है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे टीचर्स केवल पाठ टीका को सही रूप में नहीं लिख करके केवल एक तरह से क्लास नोट्स के रूप में उस सब्जेक्ट के लिए लिख करके जा रहे हैं, जो सही नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने निर्देश दिया। और बाकी विद्यालय की व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें स्वयं वहाँ के टीचर्स को प्लानिंग करना है कि इस स्कूल की के किस कॉर्नर को या किस पार्ट को हम लोग बेहतर तरीके से यूज करें। फॉर एग्जाम्पल बेंगाबाद में हमारा 3-4 कमरा ऐसा था जिसको थोड़ी सी मरम्मती करनी है और उसमें हम लोग क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन विद्यालय में संचित जो निधि भी है, चाहे वो विकास कोष का पैसा हो या छात्र कोष का पैसा, उसको निकासी की प्रक्रिया चूंकि संबंधित प्रधानाध्यापक नहीं जान पाते हैं या उससे निकालने में थोड़ा उनको हिचकिचाहट होती है, जिसके कारण भी बहुत से फंड हमारे अनयूज्ड रह जाते हैं और बच्चों को वो समस्याएं नहीं होती, मतलब लाभ नहीं मिल पाता है। एक और समस्या इससे भिन्न है कि बच्चे भी आजकल कुछ कारणवश विद्यालय के प्रति उतना सिंसियर नहीं रह जा रहे हैं, जहां इसलिए उपस्थिति भी कहीं कहीं कम दिखाई दी। तो ये समस्या भी टीचरों से शेयर किया गया। तो यही बात आ रही है कि नहीं, चूंकि बच्चे थोड़ा पारिवारिक काम से या कुछ में एंगेज हो जा रहे हैं, तो
जिसके कारण उपस्थिति नहीं हो पा रही। तो बहुत सारी बातें का पता चला कि ये कारण से स्कूलों में अटेंडेंस बोलिए या व्यवस्था प्रॉपरली नहीं हो पा रही। तो इसी को देखने के लिए हम लोगों ने आज विद्यालय को देखा और मुख्य रूप से आज छोटकी खड़गडीहा विद्यालय है जो उत्क्रमित अब हो चुका है। यहाँ जो हार्ट की समस्या जो बिल्कुल विद्यालय के प्रांगण में है उसको हम लोगों ने अवलोकन किया और निश्चित रूप से इस हार्ट को लेकर करके पढ़ाई डिस्टर्ब होती ही होती है क्योंकि सोमवार को जो साप्ताहिक हाट लगते हैं तो भिन्न भिन्न तरह के चाहे वो दुकानदार हो या चाहे ग्रामीण हो आते हैं और एक तरह से सोमवार का दिन पूरा बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पाती है। सप्ताह का पहला दिन भी होता है और उस दिन हम लोग चाहते हैं कि बच्चे रिफ्रेश होकर के जब मंडे को आए तो अच्छे तरीके से पढ़ पाए, तो ये हम लोग नहीं दे पाते। तो यही समस्या है और मुख्य इसके लिए हम लोगों ने ग्रामीणों से भी बात किया लेकिन इसके लिए एक बृहत हम लोगों को अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक करने की आवश्यकता महसूस हो रही है ताकि जो प्रखंड में जो अभिलेख है उसके साथ हम लोग बात करें क्योंकि ग्रामीणों का दावा है कि नहीं यहाँ पूर्ववर्ती समय से 20-25 सालों से हाट लग रहा है तो हम लोग नहीं दे पाएंगे और उस परिसर में एक मंदिर भी बना हुआ है जिसको लेकर के भी लोगों को भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियां है कि नहीं मंदिर को हम लोग क्यों घेराबंदी कर दे ये वो। तो खैर ये समस्या हम लोग प्रशासन के सामने रखेंगे और निश्चित रूप से जब विद्यालय उत्क्रमित हो चुका है आज के डेट में अब यहाँ 11वीं और 12वीं की भी पढ़ाई हो रही है तो आगे के लिए भी जब भवन बने तो उसको भी ध्यान दे करके हम लोग इस जमीन के लिए आग्रह करेंगे कि हम लोगों को विद्यालय के लिए दे दे और निश्चित रूप से लग रहा है कि कुछ प्रयास हम लोगों का सफल होगा। तो मैम यहाँ पर जो स्कूल प्लस टू हो गया और यहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए क्योंकि ये प्लस टू अभी फिलहाल पिछला नोटिफिकेशन में हुआ है जो हमारे जिले में 22 विद्यालय नए प्लस टू बने उसमें एक छोटकी खड़गडीहा भी है और इसका विस्तृत प्लान और सारा चीज बन कर करके स्टेट में गया हुआ है और आने वाले साल में इसके लिए बिल्डिंग भी आएगी और जब तक हम लोग बिल्डिंग के लिए जमीन नहीं दिखाएंगे तब तक स्मूथ गोइंग प्रोसेस से वो बन भी नहीं सकता है। तो इसीलिए ये प्रयास अभी के समय में ये ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग एक क्लियर कट उनको जमीन का स्वरूप दे दें। तो इसीलिए भवन तो मिलेगा ही मिलेगा और प्रयास भी हो रहा है कि इस विद्यालय में सारी सुविधाएं वो ICT का हो, लैब का हो, लैबोरेटरी का हो क्योंकि प्लस टू स्कूल बन गए हैं दैट मीन्स यहाँ अब 1 to 12 एक समेकित विद्यालय का प्लानिंग लेके चला जा रहा है। तो इसीलिए ये ये रहेगा कि यहाँ पर प्लस टू हो चुका है और कई जगह भी प्लस टू हो चुका है जहाँ पर शिक्षक के अभाव के कारण बच्चे लोग अच्छी रूप से शिक्षा नहीं मिल रही, उसके लिए क्या कहेंगे? कि कहीं भी होता है कोई भी स्कूल का उत्क्रमण होता है तो उसमें यूनिट के साथ में उत्क्रमण होता है और वो आपको फिर बृहत्तर तक कैबिनेट वगैरह से सारे पद स्वीकृत होते हैं। तो इस साल उत्क्रमण हुआ है तो निश्चित रूप से आने वाले साल में हम लोगों को पद विषयवार शिक्षक का पद भी मिलेगा और इसीलिए है कि अभी सत्र के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अभी जो TGT के टीचर है उन्हीं से पढ़ाएं या मिडिल स्कूल के जो उच्च योग्यताधारी शिक्षक है उनकी मदद ले। तो ये व्यवस्था सभी जगह है और भी जिलों में यही व्यवस्था से लोग काम कर रहे हैं तो फिलहाल यही हम लोगों के लिए है। जी धन्यवाद।